अभी फिलहाल मैं हूँ महल में, महल का राजा से 2 कदम चल के अगर आप आते हैं तो दक्षिणमुखी बापा के आपको दर्शन होते हैं। ये पंडाल पूरा यहाँ पे रेडी है, आइए विजिट कीजिए। चलो हम भी देख लेते हैं और आप भी मेरे साथ में आइए। अच्छा सा डेकोरेटिव पंडाल जो है वो रेडी किया गया है। सो नागपुरियांस, आपने ये पंडाल विजिट तो किया ही होगा, और किया है तो मुझे जल्दी से बता हाँ या नहीं, और नहीं किया है ये जाके या फिर मेरी वीडियो के थ्रू तो आप देख ही सकते हो। आपने ही कमेंट्स में मुझे ये प्लेस सजेस्ट की थी कि मैम आप यहाँ पे जाइए, ये पंडाल का व्यू हमें देखना है, देखिए बताइए। तो आपकी डिमांड पे आ गया है दक्षिणमुखी बप्पा का ये पूरा फुल वीडियो। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो 2 दिन है आपके पास में, आप आज और कल जाके विजिट कर सकते हो। इस बार बप्पा का डेकोरेशन कुछ अलग हटके हुआ है, ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स जो है वो लगे हुए हैं पूरे डेकोरेशन में। यहाँ पे आप जो फ्रूट्स देख रहे हो ये रियल है, अंगूर से लेके ऑरेंज से लेके सब कुछ जो है वो रियल फ्रूट्स है, और इसे तुरंत तुरंत चेंज भी किया जा रहा है। जो सूखे हैं वो निकाल रहे हैं, पॉपो फ्रेश जो है वो अरेंज हो रहे हैं। यहाँ बहुत ही ह्यूज सा पंडाल है और इतने जल्दी बप्पा विसर्जन नहीं होने वाले हैं, सो इसका एडवांटेज उठा लीजिए। अलर्ट, अगर नहीं जाना हो रहा है तो मेरा तो वीडियो है ही आपके लिए, आप पूरा प्रॉपर देख सकते हो क्या है और ये क्यों फेमस हो रहा है इतना। सदा ध्यान दिया है हर चीज का यहाँ पे पंडाल में, मानना पड़ेगा। बाप्पा की मूर्ति थोड़ी ऊंचाई पे स्थापित की गई है। नीचे में आपको कुछ इवेंट्स जो है, प्रोग्राम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रॉपर इंडियन वाली फील देता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फोक डांसेस, फोक आर्ट्स होते रहते हैं, उसमें से एक जो है वो यहाँ पे बप्पा के सामने प्रेजेंट हो रहा है। एक वे है बप्पा को प्रसन्न करने का, आप बोल सकते हो, जैसे हम आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इस तरीके से बप्पा की पूजा अर्चना जो है वो होती है।
सो नागपुरियंस, आपने ये पंडाल विजिट तो किया ही होगा, और किया है तो मुझे जल्दी से बताओ हाँ या नहीं, और नहीं किया है तो देख लीजिए जाके, या फिर मेरी वीडियो के थ्रू तो आप देख ही सकते हो। जैसे बाहर आते हो आपको बर्फ वाली शिवलिंग भी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत कुछ नागपुर में इंटरेस्टिंग हो रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।